हाँ तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम टानला प्लेटफॉर्म के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि अब आपको टानला प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट रहा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर हम बात करेंगे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे हमें यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे फ्लैट नजर आता है, यानी कि कोई भी चेंजेज नहीं। हार्डली अगर हम देखेंगे 2-5 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस से अगर हम बात करेंगे लगभग 7% से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 7% से गिरता हुआ नजर आया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे अराउंड 9% जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। और अगर हम इसके अगर हम नंबर की अगर हम बात करेंगे अराउंड 131 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं नहीं कि अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, अगर कंपनी का रेवेन्यू अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर लगातार हर क्वार्टर में अगर सेम ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की अगर हम बात करेंगे तो वो डेफिनेटली हर साल लगभग 4-5% हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए, आपकी जो एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह होती है, फिर उसके अलावा जो आपके ऑफिस एक्सपेंसिज वगैरह होते हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। अगर हम देखेंगे टानला प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल यहाँ पे कंपनी को हो चुका है कि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में यहाँ पे कोई भी ग्रोथ आती हुई नजर नहीं आ रही है। और खास करके अगर हम देखेंगे जब यहाँ पे जब से जो फेड ने जब रेट हाइक करना स्टार्ट किया, अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट जब रशिया यूक्रेन वाला वॉर जब स्टार्ट हुआ था, तो जब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टानला प्लेटफॉर्म की अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पर क्वार्टर के रेवेन्यू पे आके कंपनी का जो रेवेन्यू है एकदम अटक गया। यहां से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल भी हमें ग्रोथ के नंबर यहां पे नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पे अभी इन्होंने कुछ नई नई अभी कुछ एक्विजिशन भी किए, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पे प्रॉपर रेट कट नहीं होगा, वापस एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे रिवाइवल ये इंडस्ट्री के अगर हमें होता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी के नाम में ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अगर हम देखेंगे 1000 करोड़ के लगभग ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे ये छठा या सातवां ये क्वार्टर है लगातार जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी ने सिर्फ 1000 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ऑल ओवर देखा जाए जब तक यहाँ पे अगर ग्रोथ के नंबर्स नहीं आएंगे, ये 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू का नंबर है लगभग 1050-1100 करोड़ के लगभग नहीं जाएगा तो वहां पे डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर दिक्कत रहेगी। और इतना बड़ा बेस हो गया ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 4000 करोड़ के लगभग यहां पे एनुअल रेवेन्यू कंपनी में करती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी के अंदर जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आएगा। और दिक्कत ये कि अभी हमें लगभग ये कंपनी 20 के PE के लगभग हमें कंपनी नजर आ रही थी, लेकिन अभी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम हुई है तो इससे कंपनी का थोड़ा PE रेशियो भी यहां पे कंपनी का बढ़ जाएगा, लगभग 22 से 23 के लगभग का PE रेशियो यहां पे कंपनी का हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसकी वजह से अराउंड 10 से 15% का करेक्शन हमें यहां पे और ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर हम डाउन साइड रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक बार के लिए अगर एक नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में लगभग 600-700 के नीचे स्टॉक में जाता हुआ नजर आएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 से 11 रुपये के लगभग का यहाँ पे एनुअल डिविडेंड ये कंपनी पे करती है। तो अगर 500 रुपये के लगभग अगर ये कंपनी का शेयर हो जाएगा तो वहाँ पर डिविडेंड डील की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2% के लगभग की डिविडेंड डील हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंपनी की अर्निंग अगर कम हो जाएगी, अगर कंपनी का पैसा ही कम आएगा तो वहाँ पर डिविडेंड भी ये कंपनी का आने वाले टाइम पर हमें कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो अगर आप ये कंपनी में अगर अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड यहां पे नहीं रहना चाहिए। और अगर इन्वेस्टेड है भी है, मेरा पर्टिकुलरली व्यू ये रहेगा कि ये कंपनी को आपको रिडार पे रहना चाहिए। अगर किसी भी क्वार्टर के अगर यहाँ पे हमें एकदम से जो 1000 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर है एकदम से 1050 या फिर 1100 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे अगर होता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ये एक नई ग्रोथ आना यहाँ पे स्टार्ट होगी। और मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर ये 2 से 3 साल लगभग यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें ये कंपनी के अंदर आती हुई नजर आ सकती है, तो तब मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से देखा जाए ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वार्टर यहाँ पे कंपनी के अंदर हो गए और कोई ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं बताऊँ कि टानला प्लेटफॉर्म के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।